मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझे खिलाओ। चलो थोड़ी चाय पी जाए। अरे इतनी जोर से कौन रो रहा है? मैं दादी हूँ, मैं सबको खिलाऊंगी। ओ नहीं, ये मेरी पोती नैन्सी है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरा फेवरेट कोका कोला है। ओह नहीं, इतनी शोर कौन मचा रहा है? हाय, मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरी छोटी बहन नैन्सी की आवाज़ है, पता लगाना होगा उसे क्या चाहिए। शानदार कपकेक जल्दी तैयार हो जाएगा। क्या हो रहा है? ओ मेरे कपकेक, मैं शेफ हूँ, मैं स्वादिष्ट और सुंदर खाना बनाती हूँ। नैन्सी बताओ क्या हुआ है? मैं खाना चाहती हूँ। फिर सभी कलिनरी चुनौती में आओ। हमारी छोटी नैन्सी क्या चाहती है? वाह, यह फ्रेंच फ्राइज है, चलो इसे जल्दी से बनाकर बेबी को खुश करो। ओके। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इसे बनाया नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं? मुझे आलू छीलने की जरूरत है, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। अब मुझे क्या करना होगा? एक फ्राइंग पैन में तेल डालना है, यह बहुत आसान है। हम एक तेल की बोतल लेते हैं और इसे डालते हैं। अब ठीक है, अब स्टोव को पूरा तेज कर देता हूँ और इसमें फ्राइज डाल देता हूँ। नहीं एलेक्स, ये मत करो। क्या, मैंने फ्राइज डाल भी दिया है? ओ नहीं, अरे तेल छलक रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं फ्राइंग पैन फेंक दूंगा। यह बहुत बेहतर है। एलेक्स यह बहुत खतरनाक था, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। कटा हुआ फ्रेंच फ्राइज को तेल में डालना है, हमें सब कुछ सावधानी से करना है, उसे अब तक तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, फ्रेंच फ्राइज तैयार है, सुपर। हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं और थोड़ा केचप डालते हैं और हमारा काम हो गया। अब मेरी रेसिपी दिखाने की बारी है, मैं बहुत बेहतर कर रही हूँ। मैंने पहले से ही सही आलू पकाया है, अब मुझे बेकन को फ्राइंग पैन में भूनना है। बढ़िया, बेकन में फ्रेंच फ्राइज को रोल करेंगे ऐसे, यह बहुत स्वादिष्ट रोल दिख रहा है। अब हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं और उसके ऊपर बेरी सॉस डालते हैं, ऊपर से थोड़ी रोजमेरी और मेरी परफेक्ट डिश तैयार है, मैं जरूर जीतूंगी। और एलेक्स क्या कर रहा है? मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है, मैं गमी केले से फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें बस एक प्लेट पर सब कुछ डालना होगा और बहुत सारा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना होगा। तैयार, इसे नैन्सी को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये सभी फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह अलग सा दिख रहा है, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। यह बेकार है, मुझे ये पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, यह फ्राइज की तरह दिख भी नहीं रहा है, चलो इसे सॉस में डुबाने की कोशिश करें। वाह, तो यह स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी है, बढ़िया। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज, केचप के साथ इसका स्वाद और भी अच्छा होता है, मुझे वास्तव में पसंद आया। दादी जीत गई। अरे मुझे पता था। क्या आप जानते मुझे अब क्या चाहिए? मेरे लिए वॉफल बनाओ, सबसे स्वादिष्ट। बहन यह किया जाएगा, मुझे अंडे चाहिए, हम उन्हें कटोरे में तोड़ते हैं, बढ़िया। और फिर चीनी। क्या हुआ दादी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा डाल दूंगा। हालांकि आप जानते हैं मेरी छोटी बहन को सब कुछ बहुत मीठा पसंद है, और अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए, लेकिन हमें इसमें आटा डालना होगा ताकि बैटर इतना लिक्विड ना हो। हाँ। ओह, ओह, आटा मेरी नाक में घुस गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अरे मैं आटे में ढका हुआ हूँ। ओह, मैंने अपनी दादी को भी आटे से ढक दिया, माफ करना, लेकिन मेरा डो तैयार है, हमें बस इसे एक वॉफल मेकर में डालना होगा। बढ़िया, मेरे पास जल्द ही दो स्वादिष्ट वॉफल होंगे। दादी आप कैसा कर रही हैं? मेरा यहाँ सब ठीक है, मैंने पहले ही डो तैयार कर लिया है, ये बहुत स्वादिष्ट निकला,
सबसे सुंदर वॉफल बनाने के लिए सब कुछ वॉफल मेकर में डाल देंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। शेफ, तुम क्या कर रही हो? मैं अब आप देखेंगी, मैं मीठे वॉफल नहीं बनाऊंगी, मैं जुकीनी वॉफल बनाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होगा। मुझे ग्रेट किया हुआ जुकीनी, फिर अंडे, थोड़ा पार्सले और फिर आटे की जरूरत होगी। अब केवल इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए सब कुछ मिलाना है। दो लगभग तैयार है। कितना सुंदर हरा रंग और इसका स्वाद लाजवाब है। अब सब कुछ एक वॉफल मेकर में डालेंगे और फिर इसके पकने का इंतजार करेंगे। मेरे वॉफल तैयार हैं। अब केवल इसके ऊपर मैपल सिरप डालना और फिर ऊपर से बटर का एक टुकड़ा डालना बचा है। एलेक्स, जरा देखो ये कितना प्यारा निकला। ओ नहीं एलेक्स, तुम्हारे वॉफल में आग लग गई है। क्या, ये नहीं हो सकता, उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। ओ नहीं, मेरे सभी वॉफल जल गए हैं। नैंसी को ये पक्का पसंद नहीं आएगा। ओह खैर, चलो इसे व्हिप क्रीम की एक बड़ी परत के नीचे छिपाने की कोशिश करें और हम ऊपर बहुत सारे स्वादिष्ट बेरीज डाल देंगे। तब नैंसी को पक्का कुछ नहीं पता चलेगा। जितना मैं कर सकता था मैंने वह सब किया। तुम्हारा डिश भयानक लग रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वॉफल कैसे सर्व करें। ऊपर एक चम्मच सार क्रीम, कटा हुआ चेरी टमाटर और थोड़े से पार्सले। तैयार। इस तरह की डिश सभी खाना चाहेंगे। नैंसी, तुम इसे चख सकती हो। वाओ, ये सभी वॉफल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे जल्दी इसे ट्राई करना है। वाओ, बहुत अच्छा। यम्मी। और यहाँ क्या है? ये वॉफल वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। स्वादिष्ट है, मेरे फेवरेट बेरीज। और व्हिप्ड क्रीम भी है, ये अच्छा है। पर वॉफल कहाँ है? ये कितनी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। ओ नहीं, ये जला हुआ टुकड़ा क्या है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे अपने मुंह में भी नहीं डालूंगी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या, क्या वे हरे हैं? और पार्सले यहाँ क्या कर रहा है? ओह, इसमें जुकीनी है। ये बहुत खराब है। दादी, पक्का आप जीत रही हैं। हुरे, मेरा डिश फिर से सबसे अच्छा हो गया। मुझे आप कॉफी चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत आसान और स्वादिष्ट है। बिल्कुल नैंसी, हम कॉफी बना पाएंगे। ओह एलेक्स, मैं आइस तोड़ रहा हूँ। यह काम किया। हुर्रे, अब हम एक ग्लास में आइस डालते हैं। ग्लास को चॉकलेट सिरप से भी सजाएंगे। ये रहा, पहले चख लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हमने ग्लास को खूबसूरती से सजाया और अब इसमें बहुत सारा चॉकलेट मिल्क और रेडीमेड स्टारबक्स कॉफी डालूंगा। यह कमाल का स्वादिष्ट होगा। बढ़िया, आप व्हिप्ड क्रीम। यम्मी। चलो ऊपर से इसे सजाते हैं। हो गया, अब केवल ओरियोस को ऊपर से रखना है और नैंसी की फेवरेट कैंडी से सब कुछ सजाना है ताकि उसे ये जरूर पसंद आ जाए। यह अच्छा है। मैं इसे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट, यह क्या है? नहीं एलेक्स, तुमने फिर से कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास इंस्टेंट कॉफी का एक बैग तैयार है। इसे पूरे ग्लास में डालना होगा। इसके बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे और ये तैयार। देखो, ये मेरे कप में है जिस पर मेरी ड्राइंग बनी हुई है। ऐसा खाना बनाना एक तरह का मजाक है। अब मैं आपको सही रेसिपी दिखाऊंगी जो सभी को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह कॉफी बनाने का सबसे सही तरीका है। कॉफी बीन्स को पीस कर पाउडर बनाना जरूरी है। फिर एक ग्लास में इसे डालेंगे और फिर उबलते हुए पानी को डालेंगे। सब कुछ मिलाएंगे और हम इसे मग में डाल सकते हैं।
अब केवल इसमें दूध डालना बचा है, पर इसे अच्छे से मिक्स करके झाग बनाएंगे। बढ़िया, इसे डालते हैं और दालचीनी से दिल के रूप में एक सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। तैयार। नैन्सी, इसे जल्दी चक्कर बताओ कि यह कैसा है। वाह, यहाँ कितने सारे अच्छे कॉफी हैं। मैं इस कॉफी को अपनी फेवरेट कैंडीज के साथ आजमाना चाहती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यहाँ किटकैट भी है, यह अच्छा है। मुझे इस तरह की कॉफी पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब इस कॉफी का समय है। वो कितना प्यारा है, यह एक सुंदर हार्ट भी बना हुआ है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। यह गंदा है, मुझे ये पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, दादी ने निश्चित रूप से इसे बनाया है। ओ नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। चलो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि एलेक्स जीतेगा, उसके पास सबसे अच्छा है। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे चाहिए रोल। क्या आप इसे बनाएंगे? यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह आसान है। रोल के लिए कुछ चावल उबालने की जरूरत है। मैं भी इस तरह कर सकती हूँ। क्या तुम सही में फिश रोल बनाने जा रही हो? नैन्सी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। हमें मीठे रोल बनाने की जरूरत है। यस, असल में स्वादिष्ट होगा। आओ, गमी रिबन और व्हिप्ड क्रीम का उपयोग करने का प्रयास करें। वे सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अब फिलिंग के लिए गमी आइस और गमी बेयर। अब हमें इसे लपेटना है। वाव, यह अभी से स्वादिष्ट दिख रहा है। चॉकलेट सिरप से यह और शानदार लगेगा। इसे ऊपर डालता हूँ। बिल्कुल सही। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? यह भयानक है, काश मैंने इसे नहीं देखा होता। वाव, मेरा चावल पक गया है। हम चावल को एक विशेष बोर्ड पर रखते हैं और ऊपर से नोरी की सीड डालते हैं। दादी, क्या आप मेरा नकल कर रही हैं? नहीं, मुझे बस चिंता है कि तुम्हें चोट ना लगे। मैंने पहले ही चावल खुद पका लिए हैं। अब मैं सब कुछ बोर्ड पर रख दूंगी। मैं सब कुछ खूबसूरती से इसके ऊपर सीविल की भी सीट डालूंगी। अब तैयार है। ओह दादी, तुम्हें समझाना मुश्किल है। अब हमें फीलिंग डालनी होगी, कुछ चीज और खीरे। अब सबको मोड़ने की जरूरत है। आप क्या कर रही हैं? मैं भी अभी सभी को मोड़ने जा रही हूँ। चलो, कॉटेज चीज, थोड़ा खीरा। आसान, देखो है ना ठीक। यह अच्छा है कि मैं यहाँ खाना बना सकती हूँ। अब आपको रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं, थोड़ा वसाबी और सोया सॉस डालते हैं। बिल्कुल सही, मेरा सब कुछ तैयार है और यह बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन आपका कैसा बना है दादी? मेरा भी लगभग सब कुछ तैयार है, बस मछली को ऊपर से रखने की जरूरत है। यह भयानक लग रहा है, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, मैं खीरे का रोल बना सकती हूँ। इसके लिए बस खीरे को टुकड़ों में काटने और बीच से इसे खाली करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, अंदर में चावल भर देंगे और यह तैयार हो गया। स्वादिष्ट और हेल्दी रोल तैयार है। नैन्सी को जरूर पसंद आएगा। वाओ, बहुत सारे अलग अलग रोल है। मैं मीठे के साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, ये सबसे स्वादिष्ट है। वाह, यह अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? दादी, यह रोल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। कूल, अब स्वाद का जानना बहुत जरूरी है। हम एक रोल लेते हैं, इसे सोया सॉस में डुबोते हैं और ट्राई करते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद, मुझे वास्तव में यह पसंद आया। लेकिन कौन सा रोल जीतेगा? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से शेफ जीत रही है। मुझे संदेह नहीं था। वीडियो खत्म हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए फनी वीडियो मिस ना हो। कृपया लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई।